हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो इस वीडियो पे मैं चर्चा करूंगा एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ बा इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाते समय। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब क्या होता है। तो चलो चलिए शुरू करते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी मतलब क्या होता है बच्चों? इक्वी मतलब क्या? सेम। तो जिस सरफेस का पोटेंशियल सेम रहता है उसको हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोल सकते हैं। बाय डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे? ए सरफेस व्हिच हैज सेम पोटेंशियल थ्रू आउट इट्स एंटायर एरिया। मतलब कोई भी अगर एक स्क्वायर शेप्ड सरफेस ले लो, इसका कोई भी एक पॉइंट ले लो ए पॉइंट, और एक दूसरा पॉइंट ले लो बी पॉइंट, तीसरा पॉइंट ले लो सी पॉइंट, चौथा पॉइंट ले लो डी पॉइंट, अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो हम बेझिझक बोल सकते हैं कि वी इक्वल्स टू वी वी इक्वल्स टू वी सी इक्वल्स टू वी डी। क्या बोल सकते हैं बच्चों? V इक्वल्स टू VB इक्वल्स टू VC इक्वल्स टू VD, एंड इट होल्ड्स ट्रू नॉट ओनली फॉर दिस फोर पॉइंट, इट होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल द पॉइंट्स इनसाइड द एरिया। तो ये छोटे से स्क्वायर वाला सरफेस के अंदर कितना पॉइंट्स होगा बच्चों? इनफाइनाइट नंबर पॉइंट्स होगा। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स के लिए ही ये वाला केस वैलिड होना चाहिए, पोटेंशियल वैलिड होना चाहिए। तो पोटेंशियल क्या है वो तो आपको पता है बच्चों। इनफाइनाइट दूर पे, बहुत दूरी पे एक चार्ज है, टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट पे लाने के लिए जितना मेहनत आपको करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड दैट द चार्ज इज वेरी मैग्नीट्यूड इज वेरी वेरी स्मॉल। कोई टेस्ट चार्ज को लेके इधर से आने के लिए जितना मेहनत करना पड़ेगा उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। तो इक्वी पोटेंशियल मतलब क्या? कोई इनफाइनाइट दूरी पे एक चार्ज को आप पकड़ के अगर सरफेस के किसी भी पॉइंट पे लेके आओगे, तो कोई भी पॉइंट पे लेके आओ आपको सेम मेहनत करना पड़ेगा, बाय डेफिनेशन सेम यही बोलते हैं। तो बच्चों, अभी हम इक्विपोटेंशियल सरफेस का डेफिनेशन तो देख लिया, अभी हम छोटा सा चीज देखेंगे बच्चों कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो बच्चों, एक चीज हम बोलना चाहता हूं कि एग्जांपल ले लो, एक पॉइंट चार्ज प्लस की, ठीक है बच्चों? तो पॉइंट चार्ज से बच्चों आर डिस्टेंस दूरी पे एक पॉइंट अगर पी है, उस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा बच्चों? वी पी इक्वल्स टू कितना होगा बच्चों? के क्यू बाई आर होगा ना। आर डिस्टेंस दूरी पे एक पॉइंट ले लो पी, उस पी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा बच्चों? के क्यू बाई आर। सिमिलरली अगर आर पॉइंट अगर इस डायरेक्शन इस तरफ आर आर डिस्टेंस दूरी पे ले लो, जरूरी नहीं आर डिस्टेंस इस डायरेक्शन पे होना चाहिए, आर डिस्टेंस अभी इस डायरेक्शन पे ले लो, आर डिस्टेंस इस डायरेक्शन पे ले लो, आर डिस्टेंस इस डायरेक्शन पे ले लो, हर केसेस में बच्चों पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। व्हाट डज दैट मीन? क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस दूरी पे कोई भी पॉइंट ले लो बच्चों, दैट पॉइंट विल पॉइंट लेके यार उस पॉइंट को अगर जोड़ोगे तो हो जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब ये आर पॉइंट को हर तरफ, आर पॉइंट को आर पॉइंट लो, आर पॉइंट लो, आर पॉइंट लो, आर पॉइंट लो, और उसको जोड़ो, उसको जोड़ो, तो आपको क्या शेप दिखेगा बच्चों? एक सर्कुलर शेप दिखेगा, एक सर्कुलर शेप दिखेगा जिसका रेडियस होगा आर। तो बच्चों इस चीज को हम 3D पे इमेजिन करो, मतलब ये हमने पॉइंट चार्ज को एज ए स्फीयर, सॉरी एज ए सर्कल ड्रॉ किया बोर्ड प्लेन पे, पर आप लोग 3D पे जब इमेजिन करोगे आपको दिखेगा क्या? एक स्फीयर। तो स्फीयर के चारों तरफ आर डिस्टेंस दूरी पे कोई एक पॉइंट ले लो, उन पॉइंट को सबको जोड़ो, और जोड़ के आपको क्या मिलेगा बच्चों? एक एक स्फीयर मिलेगा जिसका रेडियस होगा आर। तो बच्चों हम बोल सकते हैं कि पॉइंट चार्ज के केसेस में बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है क्या? होता है स्फीयर, स्फीयर इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है स्फीयर। तो बच्चों आपको शायद पता चल गया होगा कि इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस दूरी पे कोई भी एक पॉइंट ले लो, उस पॉइंट पे एक पी पॉइंट, क्यू पॉइंट, आर पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लो, उस पॉइंट पे मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा बच्चों के क्यू बाई आर।
ठीक है बच्चों। बट अगर मैं डिस्टेंस को थोड़ा बड़ा कर दूं तो मान लो कि इधर आर आर के जगह मैंने कैपिटल आर कर दिया, अब क्या होगा बच्चों? तो बच्चों फिर से इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं, फिर से एक स्फेयर इमेजिन करते हैं जिसका रेडियस होगा कैपिटल आर। एक स्फेयर इमेजिन करो जिसका रेडियस होगा कैपिटल आर, ओके, जिसका रेडियस होगा कैपिटल आर। तो बच्चों एक चीज बताओ, ये जो मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किया, अगर रेडियस चेंज हो गया, क्या ये इस पॉइंट पे जो मेरा पोटेंशियल होगा, क्या इस पॉइंट पे मेरा सेम पोटेंशियल होगा? द आंसर इज नो। इस पॉइंट पे, इससे पॉइंट चार्ज से कैपिटल आर डिस्टेंस दूरी पे मेरा इक्विपोटेंशियल का फॉर्मूला होगा बच्चों वी क्यू, ये पॉइंट का नाम लो क्यू, वी क्यू हो जाएगा बच्चों के क्यू बाई कैपिटल आर। तो बच्चों क्या ये जो पी क्यू पॉइंट पे जो मेरा पोटेंशियल है, क्या वो चारों तरफ सेम रहेगा? ये जो बड़ा वाला आर कैपिटल आर रेडियस वाला जो स्फीयर लिया, उस स्फीयर के कोई भी एक पॉइंट पे क्या वो मेरा पोटेंशियल सेम रहेगा? दैट इज द क्वेश्चन। तो बच्चों यस, द आंसर इज यस, क्योंकि पॉइंट चार्ज के केस में स्फीयर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब स्फीयर का रेडियस मतलब अगर हमने तीन चार और स्फीयर ड्रॉ कर दिया, क्या सबका पोटेंशियल इस पोटेंशियल के बराबर होगा? नहीं। अगर स्फेयर का रेडियस चेंज हो गया तो बच्चों पोटेंशियल भी चेंज होगा, क्योंकि पोटेंशियल के लिए दो चीज चाहिए, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, दूसरा रेडियस। रेडियस चेंज हो गया तो आपका पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, मतलब जितना भी बड़ा स्फेयर ड्रॉ करो उस स्फेयर का कोई भी एक पॉइंट का, पहले वाले स्फेयर के पॉइंट का कोई भी पॉइंट ले लो, दोनों में पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा। बट कोई भी एक स्फेयर ड्रॉ करो, कोई भी एक स्फीयर ड्रॉ करो, उस स्फीयर के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लो, उस पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहेगा। जैसे कि इस स्फीयर के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो के क्यू बाई आर, पर इस स्फीयर का कोई भी पॉइंट ले लो के क्यू बाई कैपिटल आर। तो इस पॉइंट स्फीयर का कोई भी एक पॉइंट, इस स्फीयर का कोई भी एक पॉइंट डिफर करता है, बट दोनों का खुद का आपस में सेम है। आई थिंक यू ऑल स्टडीड दैट बिफोर। तो बच्चों इस पॉइंट चार्ज के बाद हम लोग इस केस में इसके बाद डिसाइड करेंगे लीनियर चार्ज। तो बच्चों मैं एक लीनियर चार्ज ले लिया, एक स्टिक ले लिया, स्टिक के ऊपर प्लस पॉजिटिव चार्ज से फिल अप कर दिया। तो बच्चों इस केस में स्टिक के चारों तरफ चार्ज है। अब चार्ज से एक सिलेंडर इमेजिन करो, बाहर की तरफ एक सिलेंडर इमेजिन करो। सिलेंडर का रेडियस क्या होता है बच्चों? क्या है? स्मॉल आर। सिलेंडर का रेडियस होता है बच्चों स्मॉल आर। तो बच्चों इससे कैपिटल और ये सिलेंडर के ऊपर बच्चों कोई भी एक पॉइंट ले लो, उस पॉइंट पे मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा बच्चों? के क्यू बाई, मान लो ये पॉइंट है पी, तो वी पी आ जाएगा बच्चों के क्यू बाई आर। क्या होगा बच्चों? के क्यू बाई आर, सॉरी के लैमडा बाई आर होगा, के लैमडा बाई आर। लैमडा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, इट इज सेम। आपको ये पोटेंशियल बराबर रखने के लिए एक चीज जरूरत पड़ेगी, वो क्या है बच्चों? वो होगा कि चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना, वो ये है कि पोटेंशियल और कोई भी जगह पे पोटेंशियल निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए चार्ज इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज चार्ज डेंसिटी। तो यूनिफॉर्मली चार्ज अगर कोई सी भी लीनियर कोई भी एक स्टिक के ऊपर आपने चार्ज एस्टेब्लिश कर दिया, और कैसे किया? यूनिफॉर्मली मतलब किसी भी जगह पे कोई भी एक पॉइंट ले लो स्टिक के ऊपर, उस पॉइंट पे मेरा इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डेंसिटी सेम रहेगा। चार्ज डेंसिटी सेम रहेगा, चार्ज डेंसिटी इज मोर इंपॉर्टेंट। तो बच्चों चार्ज डेंसिटी सेम रहेगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा मतलब एट ए सर्टेन डिस्टेंस दूरी पे कोई भी एक पॉइंट ले लो पी पॉइंट, उस पी पॉइंट पे मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहेगा। पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहेगा, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं बच्चों? एक स्टिक है, स्टिक के चारों तरफ आर डिस्टेंस दूरी पे एक पॉइंट ले लो, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर आ रहा है। तो बच्चों उसको अगर 3D में इमेजिन करो तो वो कौन सा सरफेस आएगा बच्चों? वो आएगा हमारा सिलिंड्रिकल सरफेस। कैसा सरफेस आएगा? सिलिंड्रिकल सरफेस। एक बार देखो, स्टिक के चारों तरफ आर डिस्टेंस दूरी पे देखो,
आर डिस्टेंस दूरी पे जो भी पॉइंट से उसको जोड़ो क्या आएगा, एक सर्कुलर रीजन। अब सारा हर एक पॉइंट के लिए जोड़ो, एक सर्कुलर सर्कल 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 जोड़ के क्या आता है, बहुत सारे डिस्क को जोड़ के क्या आता है, सिलेंडर। सिलेंडर इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्क एंड हॉलो सिलेंडर इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग्स। तो बच्चों एक ये तो हो गया कि आर डिस्टेंस दूरी पे मेरा इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा के क्यू बाई आर। तो बच्चों हम बोल सकते हैं क्या कि फॉर ए लीनियर चार्ज बॉडी इक्विपोटेंशियल सरफेस इज व्हाट, सिलेंडर। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज सिलेंडर, पॉइंट चार्ज के लिए आपका स्फीयर और लीनियर चार्ज के लिए सिलेंडर। तो बच्चों और एक चीज बोलते हैं कि अगर मान लो कि बच्चों की सिलेंडर से मेरा रेडियस चेंज कर दिया, क्या किया, रेडियस कर दिया कैपिटल आर, पॉइंट चार्ज से बच्चों कैपिटल आर डिस्टेंस दूरी पे मैंने कैपिटल आर रेडियस लेके एक और सिलेंडर ड्रॉ किया, जिस सिलेंडर का इस ये भी होगा मेरे इक्विपोटेंशियल सरफेस, आपने पहले भी एक्सप्लेन किया था इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। तो बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए इसके केसेस में मेरा इलेक्ट्रिक, अगर ये पॉइंट मान लो पी डैश, तो इस पॉइंट पे मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा के लैम्डा बाय कैपिटल आर, के लैम्डा बाय कैपिटल होगा। तो हम देख सकते हो कि बच्चों कोई इस सिलेंडर के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, हर कोई भी पॉइंट पे मेरा फॉर्मूला क्या होगा, के लैम्डा बाय आर। बट इस पॉइंट पे जो मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, दोनों डिफर करेगा। तो बच्चों आपने कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर बहुत सारा ड्रॉ कर दिया, सेम एक्सिस मान के बहुत सारा सिलेंडर आपने ड्रॉ कर दिया, उस केस में एक ही प्रॉब्लम होगा, क्या प्रॉब्लम होगा कि दोनों के केसेस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड वेरी करेगा। और बट सेम सिलेंडर, एक ही सिलेंडर ड्रॉ करो, पर उसके केसेस में हर एक पॉइंट पे मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहेगा। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, मैंने आपको एग्जांपल दिया। अभी हम देखेंगे कि इक्विपोटेंशियल के रिलेटेड तीन चार पॉइंट्स, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोगों को ये क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है, आपको याद करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों हम इस टॉपिक स्लाइड पे हम देखेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के रिलेटेड कुछ सम पॉइंट्स, सम कैरेक्टरिस्टिक्स रिगार्डिंग इक्विपोटेंशियल सरफेस ईपीएस, रिगार्डिंग ईपीएस। तो मैं बोर्ड का स्पेस बचाने के लिए ईपीएस लिखा, आप लोगों ने कभी भी ईपीएस मत लिखना, वो मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा बोर्ड का स्पेस बचाने के लिए, ठीक है। तो बच्चों पहला जो पॉइंट आएगा बच्चों वो क्या है, द पीडी बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इज बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। इसका मतलब क्या है, आपके पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लिया, एक का पॉइंट है वी ए, ए पॉइंट ले लो, ए पॉइंट का पोटेंशियल है वी ए, बी पॉइंट ले लो, बी पॉइंट का पोटेंशियल है वी बी। तो हम बोल सकते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। कैसे आता है, हमें पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब क्या होता है, वी ए इक्वल्स टू वी बी। व्हाट डू मीन बाय इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब होता है जिस दो पॉइंट का इक्विपोटेंशियल बराबर, तो इसका मतलब वी ए इक्वल्स टू वी बी, वी कैन से दैट, इसका मतलब वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू जीरो, वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू जीरो। यही तो बोला गया ना कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर है, कोई भी सरफेस का अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे और इक्विपोटेंशियल सरफेस का अगर कोई भी दो पॉइंट लेंगे, तो उस दोनों का इक्विपोटेंशियल डिफरेंस, दोनों का पोटेंशियल का अंतर क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल तो सेम है। तो सेम चीज से सेम चीज माइनस करोगे तो जीरो ही होगा ना। तो ये था मेरा फर्स्ट पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, आपको पहले लिखना है, उसके बाद पिक्चोरिकली थोड़ा सा समझाना भी है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो ऐसे ऐसे हो रहा है, दैट मीन्स
आपका ये बड़ा स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये बोथ पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट पे जाते हैं। तो सो सेकेंड पॉइंट इज बच्चों, नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन इन मूविंग एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, नो वर्क इज डन इन मूविंग एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। नो वर्क इज डन इन मूविंग एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बच्चों फिर से हम लोग ड्रॉ करेंगे, एक पॉइंट ले लो ए, उसका पोटेंशियल है वी ए, एक पॉइंट बी, उसका पोटेंशियल है वी वी। तो बच्चों पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है ना, मैंने बोला था कि कोई भी एक दोनों पॉइंट का अगर पोटेंशियल डिफरेंट, एक का पोटेंशियल है वी ए, दूसरे का पोटेंशियल है वी वी, और आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे कोई भी एक चार्ज को ले जाना है, तो बच्चों प्रोवाइडेड दैट वी ए कोई भी पॉइंट चार्ज को ले जाना है, तो बच्चों फॉर्मूला क्या है, वी ए माइनस वी वी इक्वल्स टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम ए फ्रॉम बी टू ए बाय क्यू, ये होता है ना। तो बच्चों अगर बी टू ए ले जाना है तो ये वाला होता है, मतलब बी ए मेरा फाइनल पॉइंट है, पोटेंशियल का डिफरेंस मतलब क्या, फाइनल वी फाइनल मतलब वी इनिशियल, तो फाइनली वो पॉइंट ए पे था, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम द फ्रॉम बी टू ए, मतलब बी पॉइंट से ए पॉइंट तक हमने कोई भी एक चार्ज को लेके आना है हमको, तो इस वो वाला फॉर्मूला क्या है, वो पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस इन पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय चार्ज। ये मेरा फॉर्मूला था पोटेंशियल का, ये मेरा बेसिक फॉर्मूला था फिजिक्स का, जो भी पोटेंशियल का मैंने फॉर्मूला डिराइव किया था वो ये वाला फॉर्मूला से। ये वाला फॉर्मूला कहां से आया, वो फंडामेंटल फॉर्मूला है, वो वाला फॉर्मूला आपको एग्जाम पे नहीं आएगा, जेई में नहीं आएगा, वो सब नहीं पूछेगा, सारा काम ये फिजिक्स का, यही मेरा फंडामेंटल फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला से हर चीज डिराइव होता है। तो खैर छोड़ो, तो अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है बच्चों, तो हम लिख सकते हैं वी ए इक्वल्स टू वी बी इफ दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब क्या, वी ए माइनस वी बी क्या होगा बच्चों, जीरो। वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू जीरो मतलब डब्ल्यू एक्सटर्नल बी टू ए डिवाइडेड बाई क्यू। तो बच्चों हम बोल सकते हैं कि डब्ल्यू एक्सटर्नल बी टू ए विल बी इक्वल्स टू जीरो। तो हम लोग प्रूफ कर पाए कि अगर पोटेंशियल में कोई अंतर है ही नहीं, इसका मतलब कोई भी एक्सटर्नल एजेंट को चार्ज ले जाने के लिए कोई काम नहीं करना पड़ेगा। काम इसीलिए करना पड़ता था बच्चों कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फोर्स, उस फोर्स के अगेंस्ट मुंह ले जाने के लिए हमें ताकत मेहनत करना पड़ता था। अगर पोटेंशियल सेम है तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगा इसका मतलब देयर विल बी नो फोर्स, नो फोर्स मतलब हमें ले जाने के लिए जो फोर्स हमें रोक रहा था, जो फोर्स हमारे अगेंस्ट में था वो फोर्स ही नहीं है, इसका मतलब हमको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, सिंपल लॉजिक। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट नंबर टू था, ये था पॉइंट नंबर टू। तो अभी बच्चों पॉइंट नंबर थ्री पे आएंगे। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये मेरा थर्ड स्टेटमेंट है। तो बच्चों इस स्टेटमेंट को प्रूफ कैसे करेंगे, ये भी तो है, फिर से एक बार ड्रॉ कर लो, एक पॉइंट है ए उसका पोटेंशियल वी ए, एक पॉइंट है बी उसका पोटेंशियल वी बी। तो बच्चों हमें पता है कि डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डेल डी आर, यस और नो, डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डेल्टा। तो बच्चों हमें एक चीज बता दो, जल्दी से जल्दी एक चीज बता दो कि डेल्टा वी इक्वल्स टू कितना होगा, डेल्टा वी होगा वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू ई डॉट डेल्टा आर। ये वाला फॉर्मूला वैसे भी हम लोगों ने रूबरू किया था आप लोगों पहले, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर में, सॉरी इसका पहले वाला लेक्चर में बताया था कि डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर। ई क्या है, ई इज द इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, डी आर इज द डिफर पोजिशन वेक्टर, एंड डेल्टा वी जिस पॉइंट से जिस पॉइंट पे आप ले जा रहे हो
उसको हम बोलेंगे ए पॉइंट से, मान लो ये फॉर्मूला कहां से आया, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मान लो हम चार्ज को ले जा रहे हैं, तो उसके उल्टी दिशा में हमें क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड कम कर रहा है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कम कर रहा है। तो बच्चों ये जो डिस्टेंस है इसको हम dr नाम दिए थे, dr dr, क्योंकि इसका पोजीशन वेक्टर मान लो r है, इसका पोजीशन वेक्टर मान लो rv। पोजीशन वेक्टर क्या है इसके रिलेटेड मैंने अलग से टॉपिक बनाया था मेरा कूलम्स लॉ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला लेक्चर में देख लेना। तो ये dr क्या होता है, dr को हम लिख सकते हैं ra rv माइनस ra, ठीक है। तो वो क्या होता है, क्यों होता है, एक वीडियो में ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, जो जो अगर देखना है तो वो पहले वाला कूलम्स लॉ का फर्स्ट वीडियो देख लेना। तो इस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे मेरे चार्ज मेरा चार्ज के पोजीशन के ऑपोजिट डायरेक्शन पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है बच्चों, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट पे ले जाना पड़ेगा। तो उस केस में बच्चों डेल्टा वी का फॉर्मूला था माइनस ई डॉट डेल्टा आर, दिस इज वैलिड ओनली केस ऑफ इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, मतलब जिस केस में कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लाइक फ्रिक्शन और कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर प्रेजेंट ना हो, तो उस केस को जैसे कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब जिसका वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट है, वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट है मतलब इनिशियल और फाइनल पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, और कोई भी बीच का कोई पाथ जो भी पाथ से लेके जाए उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है एक तरफ से कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स मतलब वर्क डन बाय ए फोर्स व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पाथ इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। आप जिस भी पाथ से लेके जाओ, जिस भी पाथ से लेके जाओ, आपका पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क डन सेम आएगा, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल, पोटेंशियल और डिफरेंस और वर्क डन दोनों ही कंजर्वेटिव होता है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। और हम बोल सकते हैं कि जिसका केस में कंजर्वेटिव वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट है उसी को ही हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। तो बच्चों ये फॉर्मूला पे हम देख सकते हैं, अगर ये बड़ा इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो हम बोल सकते हैं VA इक्वल्स टू VB, VA इक्वल्स टू VB मतलब क्या, VA माइनस VB इक्वल्स टू 0, VA माइनस VB इक्वल्स टू 0 मतलब क्या, E डॉट DR मतलब 0 होता है, इसका मतलब क्या है, द एंगल बिटवीन E एंड DR कितना होगा बच्चों, E एंगल बिटवीन E एंड DR हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि आपको पता है मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय दोनों के बीच का एंगल का कोसाइन। तो बच्चों कॉस 90 होगा तभी तो ये जीरो आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एक वेक्टर क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन है, डीआर का भी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन है। तो ओनली केस ओनली थीटा वेरीज एंड थीटा वेरीज दैट इज व्हाई इट कैन बी जीरो पॉसिबल, जीरो होने के पॉसिबिलिटीज है। तो बच्चों हमें पता है कॉस 90 का वैल्यू जीरो होता है, इससे हमें पता चलता है क्या, ये होता है ये मेरा वैल्यू होता है जीरो, ये मेरा वैल्यू होगा सॉरी 90 डिग्री, ये कॉस 90 जीरो, तो ये जीरो इस साइड पे भी जीरो, जीरो जीरो आ गया। तो बच्चों इससे हम बोल सकते हैं क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा तभी ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आएगा। तो आपको बाय इंट्यूशन हम बोल सकते हैं कि अगर ये मेरा डीआर वेक्टर है, डीआर वेक्टर ये है, ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके परपेंडिकुलर, उसके परपेंडिकुलर होगा बच्चों, परपेंडिकुलर मतलब ऐसा भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, ठीक ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस का परपेंडिकुलर। तो बच्चों सरफेस का परपेंडिकुलर मतलब क्या, सरफेस हमने ड्रॉ किया एक्स वाई एक्सिस के ऊपर, कैसे ड्रॉ किया, हमने बोर्ड प्लेन के ऊपर ड्रॉ किया। अब सरफेस का कोई भी पॉइंट ले लो, इसका मतलब सरफेस का कोई भी पॉइंट के परपेंडिकुलर मतलब क्या, आइदर दिस और दिस, ये मेरा सरफेस है, इसके सरफेस का परपेंडिकुलर वेक्टर मतलब कौन सा, ये आइदर प्लेन आउट ऑफ द बोर्ड और इनसाइड द बोर्ड, ऐसा नहीं होगा, ये तो सरफेस के पैरेलल हो गया ना, ये होगा सरफेस का परपेंडिकुलर, सरफेस का परपेंडिकुलर, ये एंगल वाला देखो, ये एंगल देखो 90 डिग्री होगा ना, ये एंगल इसको ऐसे आपको खंबे को, जैसे खंबे कोई खंबा रहता है ना जमीन के गाड़ के, तो क्या होता है उसके केस में एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो दैट इज हाउ इट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जैसे कोई भी खंबा लिख लो वो परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस सेम। तो ये मेरा अगर सरफेस ड्रॉ किया ऐसा, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा आउट ऑफ द बोर्ड और इनसाइड द बोर्ड, दोनों केस में परपेंडिकुलर होता है। तो खैर ये मेरा पॉइंट नंबर 3 था, इसके बाद हम पॉइंट नंबर 4 शुरू करेंगे। पॉइंट नंबर 4 बच्चों, पॉइंट नंबर 4 क्या है,
टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, सॉरी टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। चार चौथा पॉइंट है कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मान लो कि ये मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस नंबर वन, ये मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस नंबर टू, ये मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस नंबर वन, ये सरफेस नंबर टू, दोनों इस पॉइंट पे, दोनों का कॉमन पॉइंट मिला, तो उस कॉमन पॉइंट पे बच्चों मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड आउट ऑफ द सरफेस, तो इस केस में भी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ। और बच्चों ये सरफेस अगर मान लो कि थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा टेढ़ा है, मतलब मैंने जो सरफेस ड्रॉ किया आपको देखने में समझ में नहीं आएगा, तो ऊपर से ड्रॉ करते एक सरफेस ऐसा और एक सरफेस ऐसे कट किया, इसको 3D में ड्रॉ करते हैं, एक सरफेस ऐसे कट किया और एक सरफेस कुछ ऐसा कट किया, टेढ़ा करके कट किया, मतलब इस जगह से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज, ये मेरा कॉमन पॉइंट है, ठीक है, कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस तरफ, और इस कॉमन पॉइंट के, इसका जो कॉमन पॉइंट है बच्चों, इस कॉमन पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कितना होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, आपको पता है। तो बच्चों मतलब ये जो मेरा सरफेस है, मैंने ऐसे टेढ़ा करके ड्रॉ किया, जरूरी नहीं कि वो लोग 90 डिग्री पे ही ड्रॉ इंटरसेक्ट करे, कोई भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, यही तो मेरा सवाल है ना, स्टेटमेंट है। तो बच्चों ये मेरा यही वाला मेरा सरफेस नंबर वन है और ये मेरा सरफेस नंबर टू है, तो दोनों का जो सरफेस है, तो दोनों सरफेस में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये आपका पॉइंट नंबर थ्री में मैंने बताया। तो बच्चों सरफेस नंबर वन से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा कुछ इस डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो बच्चों सरफेस नंबर टू से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा मेरा इस डायरेक्शन में, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ई वन डायरेक्शन ये है और ई टू डायरेक्शन ये है। तो बच्चों एक चीज मुझे बताओ कि एक ही सरफेस से, मतलब एक ही पॉइंट से सरफेस के, एक सरफेस अगर इंटरसेक्ट करेगा तो इंटरसेक्टिंग एरिया पे बहुत सारा पॉइंट मिलेगा, तो बच्चों उस पॉइंट से जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा उसका दो दो डायरेक्शन मिलेगा, समझ सकते हो ना, कि जो भी कॉमन पॉइंट है उसके लिए, ये दोनों का जो कॉमन पॉइंट है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से इस तरफ, इसके वजह से इस तरफ, मतलब एट एन इंटरसेक्टिंग पॉइंट, एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट पॉइंट्स देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दो डायरेक्शन मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्या ये पॉसिबल है? मैंने बोला था कि कोई भी एक पॉइंट से दो इलेक्ट्रिक फील्ड का टू डायरेक्शन का पॉसिबल है, एक पॉइंट से, एक पॉइंट से बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड से एक ही निकलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है और दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल नहीं है, तो बच्चों दो इंटर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी एक दूसरे को कट करेगा, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी एक दूसरे को कट करेगा, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं कर सकता, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर कट ईच अदर। पर इस केस में देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा तो सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेम डायरेक्शन पे आएगा, अब प्रोवाइडेड ये है कि बच्चों ये जो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है बच्चों, तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा और डायरेक्शन आएगा दोनों के लिए सेम आएगा, कोई भी पॉइंट ले लो दोनों के लिए सेम आएगा, हर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम, तो इसके केसेस में डायरेक्शन सेम एंड मैग्नीट्यूड भी सेम, तो इसका मतलब E1 एंड E2 अगर टच इंटरसेक्ट करता है, इसका मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे मेरा दो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ जाएगा एंड डायरेक्शन आ जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर कट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये चीज मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था उसके अंदर लिखा गया था। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर नॉट पॉसिबल एट ए सर्टेन पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसका मतलब ये दोनों इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट पे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर कट ईच अदर, सो दैट इज हाउ वी कैन से दैट टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब ये है कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर इंटरसेक्टिंग, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन आएगा,
दो डायरेक्शन का मतलब दे विल एट इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस पॉइंट पे कट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर कट इच अदर। सो पॉइंट चार्ज से एक ही पॉइंट से एक ही डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलता है। तो बच्चों एक चीज बताओ, ऐसे कैसे ऐसे सैकड़ों पॉइंट्स होगा ना, अगर मान लो कि ऐसे ऐसे सैकड़ों पॉइंट्स हैं, तो हर पॉइंट पे मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो दो डायरेक्शन, हर पॉइंट पे मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो दो डायरेक्शन, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो दो डायरेक्शन, तो ऐसे करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल कट इच अदर, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं कर सकता। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो दीज आर ऑल द पॉइंट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, ये क्वेश्चन पे आता है चार नंबर का बोर्ड का बोर्ड में से। तो बच्चों एक चीज बताओ, कभी कभी इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सर्फेस भी ड्रॉ करना बोलता है आपको एग्जाम पे, तो भी अभी हम देखेंगे कि हाउ टू स्केच इक्विपोटेंशियल सर्फेस, थोड़ा सा ये चीज देख लो कि हाउ टू स्केच इक्विपोटेंशियल सर्फेस। तो एक चीज देखो कि मान लो कि ये मेरा प्लस क्यू चार्ज है, ये मेरा माइनस क्यू चार्ज है, सॉरी ये मेरा प्लस क्यू चार्ज है, ये भी मेरा प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाएगा, माइनस क्यू ले लो, माइनस क्यू से कैसे जाएगा बच्चों, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये इस तरफ ऐसे 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 ऐसे, और इस तरफ ऐसे आएगा है? इस तरफ ऐसे ऐसे, ठीक है बच्चों। तो मुझे ये बताओ कि अगर ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होगा बच्चों, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल लाइन, सॉरी इक्वी इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड आर कट ईच अदर ऑर्थोगोनली और परपेंडिकुलरली, तो आपको पता है। तो एक बार देखो कि इस पॉइंट पे 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं, 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं, एक ही चीज आपको देखना है कि इस पॉइंट पे 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा, 90 डिग्री हो रहा है तो सही है। तो ये मेरा डॉटेड लाइन है, वो मेरा इलेक्ट्रो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस है, तो जो डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ किया वो मेरा इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस है। तो बच्चों टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस नेवर कट ईच अदर, आपको पता है, तो मैंने ड्रॉ करना गलत हो गया, तो मेरा ड्रॉ करना थोड़ा सा ये आ गया। तो बच्चों इसको ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ करोगे बच्चों, पहले दफा में आपको ड्रॉ करना है क्या, पहली दफा में आपको ड्रॉ करना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे हर जगह पे आपको परपेंडिकुलरली देखना पड़ेगा कि एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दो, तो डॉटेड लाइन विल बी कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, डॉटेड लाइंस विल बी कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। बच्चों इधर भी इक्विपोटेंशियल सर्फेस आ जाएगा, डॉट डॉट करके इक्विपोटेंशियल सर्फेस आ जाएगा, तो इक्विपोटेंशियल सर्फेस ये होगा मेरा डॉटेड लाइन इक्विपोटेंशियल सर्फेस। तो ये मेरा इक्विपोटेंशियल सर्फेस का ड्रॉइंग हो गया, प्लस क्यू माइनस क्यू। आपको होमवर्क में क्या करना है बच्चों, बोर्ड के बच्चों जेई के बच्चों दोनों के लिए बोल रहा हूं कि आपको क्या करना है, आपको ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू दोनों सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर, इसके केसेस में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना है, और उसके साथ साथ उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इलेक्ट्रो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस ड्रॉ करना है, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस ड्रॉ करना है। तो ठीक है बच्चों, इसके साथ साथ हमारा इक्विपोटेंशियल सर्फेस का लेक्चर खत्म हो गया। तो बच्चों जब हम असाइनमेंट्स करेंगे, जेई का असाइनमेंट्स करेंगे, बोर्ड का असाइनमेंट्स अलग से करेंगे, बोर्ड के लिए इजी इजी क्वेश्चंस और जेई के लिए थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चंस हम देंगे। तो ठीक है बच्चों, इसके आगे हम लोग जब क्वेश्चन आंसर, पहले मैं सब थ्योरी एक साथ पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी के बाद अब जब क्वेश्चन सॉल्व होगा तो एक साथ फटाफट क्वेश्चन आप लोग एक साथ बनाएंगे, असाइनमेंट्स आप लोगों को शायद मिल गया होगा, असाइनमेंट्स मिलने के बाद कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, पहले आप लोग देखो क्वेश्चन सॉल्व होता है कि नहीं, सॉल्व नहीं होता कोई सॉल्यूशन देख सकते हो, और नीचे सॉल्यूशन दिया गया है उसको भी देख सकते हो, पर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो टेक्निक होता है, और टाइप अलग अलग टाइप का क्वेश्चन होता है, हर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अलग अलग टेक्निक होता है, तो टेक्निक को आप अडॉप्ट करो धीरे धीमे
और धीमे धीमे सारा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही आपको जेईई के लिए फायदेमंद रहोगे, ये मेरा एक्सपीरियंस ही मैं बता रहा हूँ, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, कोई शॉर्टकट मेथड नहीं होता। तो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी का थोड़ा सा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, कैसे आया, किधर से आया पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल क्या होता है, वो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। तो हेलो बच्चों, इस वीडियो पे हम लोग छोटा सा एक टॉपिक पढ़ेंगे और वो टॉपिक बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों मैंने जितने भी वीडियो बनाए आज तक उसमें कभी भी एक चीज नहीं बोला, वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। आपको ये चीज बोला था कि एक पॉइंट चार्ज अगर मान लो प्लस क्यू है, उससे आर डिस्टेंस दूर पे एक पॉइंट ले लो पी, पी पॉइंट पे मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो? के क्यू बाई आर एट ई पी पॉइंट पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बच्चों? के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर एंड के क्यू बाई आर, ये दोनों चीज हमने एक्सप्लेन किया था। बट बच्चों अगर मैंने बोलू कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यू क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं यू से, यू क्या होगा बच्चों? यू हम स्ट्रेट कट बोल देंगे जीरो। क्योंकि बच्चों एक चीज याद रखना, इन फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज अनडिफाइंड फॉर एन सिंगल चार्ज। सिंगल चार्ज के लिए बच्चों पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए बच्चों आपको एक सिस्टम ऑफ चार्ज चाहिए, एटलीस्ट टू चार्ज मस्ट बी प्रेजेंट देयर, एटलीस्ट टू चार्जेस मस्ट बी प्रेजेंट देयर, एटलीस्ट टू चार्जेस मस्ट बी प्रेजेंट देयर इन ऑर्डर टू हैव द डिफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है वही हम देखेंगे। तो बच्चों एक चीज याद रखना कि इन फिजिक्स, जैसे कि हमने बोला था कि पोटेंशियल पढ़ाते समय जो एक चीज बोला था आपको कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइंड नहीं होता। फिजिक्स में क्या डिफाइंड है? दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी भी एक पॉइंट के लिए डिफाइंड नहीं है, मतलब एक सिंगल चार्ज के लिए डिफाइंड नहीं है, कोई भी एक दो पॉइंट के बेसिस पे, दो पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हमें पता करना है और उससे हमें पोटेंशियल एनर्जी का जो भी डिफाइनेशन है वो हम इधर से डिराइव करेंगे। तो बच्चों एक चीज बताओ कि कोई भी मान लो एक Q1 Q2 अगर दो चार्ज है, ठीक है, Q1 Q2 अगर आपके पास चार्ज है Q1 Q2 और वो r डिस्टेंस दूरी पे है बच्चों, तो पोटेंशियल एनर्जी दो, अगर ये दो चार्ज को, एक चीज याद रखो कि ये दो चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज को अगर दोनों से r डिस्टेंस दूरी पे रख सकते हो क्या? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्योंकि वो दोनों पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, तो दे विल मूव अपार्ट एज द टाइम गोज। तो जितना भी वक्त गुजरेगा आपका दोनों चार्ज एक दूसरे से क्या होगा? दूर भागेगा, क्योंकि पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव चार्ज का नेचर ही ऐसा है कि एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज रख दो तो एक दूसरे के पास आएगा, दो पॉजिटिव चार्ज रख दो तो एक दूसरे से दूर भागेगा। तो बच्चों एक चीज बताओ कि यार ये दो चार्ज को आर डिस्टेंस दूरी पे बहुत टाइम तक रखना पॉसिबल है? यस पॉसिबल है, पर उसके लिए आपको कोई एक्सटर्नल एजेंट, आपको काम करना पड़ेगा, मतलब दोनों चार्ज एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेगा, बट आप तो हो ना, आप दोनों चार्ज को पकड़ के रखो जाने मत दो, तब वो रहेगा। तो बच्चों इन दोनों को इस पोजीशन पे रखने के लिए आपको कोई एक्सटर्नल बॉडीज को कोई काम करना पड़ेगा, जो भी काम करोगे वो इस चार्ज के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म पे स्टोर होगा। ऑल द वर्क द एन एक्सटर्नल एजेंट डज ऑन एन चार्ज इज स्टोर इनसाइड इट,
देन द पोटेंशियल एनर्जी डेवलप एंड द एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द चार्ज। तो बच्चों इन दोनों को आर डिस्टेंस पे रखने के लिए आपको कोई एक्सटर्नल एजेंट को जितना काम करना पड़ेगा उतना काम वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म पे इस सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाएगा, इसके अंदर भी रहेगा, इसके अंदर भी रहेगा। तो बच्चों क्या होगा उसका फॉर्मूला के क्यू वन क्यू टू बाई आर, यही हमको अब डिफाइन करना है। बट ये क्या है, ये है कि इन दोनों को आर डिस्टेंस पे रखने के लिए एक्सटर्नल एजेंट को कितना काम करना पड़ेगा और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू यू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम को, इस सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होगा के क्यू वन क्यू टू बाई आर। बट व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स दैट आपको अगर ये क्यू वन क्यू टू चार्ज को एक दूसरे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, उसके अलावा बावजूद भी आप इन दोनों को एक साथ आर डिस्टेंस दूरी पे रख रहे हो तो आपको कुछ काम करना पड़ेगा। वही काम जो भी आपने एक्सटर्नल एजेंट ने जो काम किया वही इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म पे स्टोर रहेगा। तो इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगा, अंदर का इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपस में दूर भागने की कोशिश कर रहा है पर भाग नहीं पा रहा, तो आपके अंदर एक स्ट्रेस फील करेगा और एक एनर्जी डेवलप होगा, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो उसका फॉर्मूला के क्यू वन क्यू टू बाई आर। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज, व्हाट डू मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम इसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों अच्छा, तो बच्चों प्रूफ कैसे करें, प्रूफ कैसे करें? तो बच्चों एक इनिशियल फाइनल कंडीशन ले लेते हैं, फाइनल कंडीशन Q1, Q2 चार्ज को हमें r डिस्टेंस दूरी पे रखना है और इनिशियल कंडीशन क्या है, इनिशियल कंडीशन क्या है, इनिशियल कंडीशन है ये चार्ज, दोनों चार्ज इंफिनिटी पे रखा था पहले, इंफिनिटी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बहुत दूर पे ये चार्ज रखा था, अब दोनों चार्ज को एट ए डिस्टेंस r पे लाना है तभी तो जाके हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा ना। वो फॉर्मूला क्या है, जैसे हमने पढ़े थे पिछले पोटेंशियल के केसेस में क्या देखे थे कि डेल्टा वी इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, होता है क्या कि डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, आप मान लो बी पॉइंट से ए पॉइंट तक एक चार्ज को लेके आना चाहते हो, ए पॉइंट पे एक चार्ज है और बी पॉइंट पे एक चार्ज है, ठीक है, सॉरी ए पॉइंट एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये चार्ज को ए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, सॉरी बी पॉइंट से ए पॉइंट तक आपको लेके आना, ये मेरे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और बी पॉइंट से ए पॉइंट तक आपको एक चार्ज को लेके आना है। तो कितना मेहनत करना पड़ेगा वो डिपेंड कर, वो डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम पॉइंट बी टू ए डिवाइडेड बाई जो भी चार्ज को, टेस्ट चार्ज को आपको लेके आना है, क्यू टेस्ट चार्ज डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज इक्वल्स टू होता है चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ही है। तो बच्चों इस फॉर्मूले का इस्तेमाल अभी हम करेंगे, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम आगे पढ़ेंगे कैसे करते हैं ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला के क्यू वन क्यू टू बाई आर कैसे डिपेंड करते वो देखेंगे। तो बच्चों पहले दोनों चार्ज इनफाइनाइट पोजिशन पे था, बहुत दूर पे था, तो बच्चों इस चार्ज को हमें अभी उन दोनों को एट ए डिस्टेंस आर पे रखना है। तो बच्चों इस चार्ज को अगर मैं एट ए डिस्टेंस, इस चार्ज को मान लो पहले ये सिस्टम के अंदर कोई भी चार्ज नहीं था, कुछ भी एक्सटर्नल कोई भी एक्स्ट्रा कोई आसपास कोई चार्ज नहीं है, टोटली आइसोलेटेड सिस्टम है। ऐसे सिस्टम पे आप अगर क्यू वन चार्ज को इधर लेके आओगे तो क्या कोई भी आपको काम करना पड़ेगा, सवाल ये उठता है। आंसर इज कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। हमको काम करना तब पड़ता है, एक्सटर्नल एजेंट को कब काम करना तब पड़ता है जब कोई भी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट हो, कोई भी जगह पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट हो और उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाके हमें काम करना पड़ रहा है, तब जाके एक्सटर्नल एजेंट को, जैसे कि हम और आप किसी को भी अगर चार्ज को उठा के लेके आना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करके ले जाना पड़ता है, तब हमें कुछ मेहनत करना पड़ेगा। पर इधर आसपास कुछ है ही नहीं, टोटल फ्री एरिया है, तो हम किसी भी कोई भी चार्ज को Q1 से इनफाइनाइट डिस्टेंस बहुत दूर से इस एरिया पे ले आ सकते हैं बेझिझक विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। तो बच्चों W एक्सटर्नल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ऑटोमेटिकली जीरो हो गया।
तो बच्चों इस चार्ज को लेके आने के लिए एक्सटर्नल एजेंट को टोटल कितना काम करना पड़ेगा बच्चों? जीरो। तो W एक्सटर्नल एजेंट Q1 इक्वल्स टू जीरो। Q1 चार्ज को लाने के लिए कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। बट जब भी Q1 चार्ज इधर आ गया वो तो आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा ना, ये बात है ना कि Q1 चार्ज जब भी इधर आ गया उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा तो उसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होगा मतलब दूसरा चार्ज को लेके आने के लिए बच्चों उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा तब सेकेंड चार्ज को ले आने के लिए हमें थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो बच्चों हमारे पास फॉर्मूला क्या है? डेल्टा वी इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई क्यू। तो बच्चों क्यू टू चार्ज को अगर कोई भी एक्सटर्नल एनवायरमेंट के अंदर लाना है और ये मेरा पोटेंशियल है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है बच्चों? वी वी पी। मान लो कि आर डिस्टेंस दूरी पे मुझे लेके आना है, इस चार्ज से आर डिस्टेंस दूरी पे एक पॉइंट है जिधर क्यू टू चार्ज को रखना है। तो बच्चों आर डिस्टेंस दूरी पे मेरा पॉइंट की पोटेंशियल कितना डेवलप हुआ ड्यू टू Q1 चार्ज? के Q1 बाय आर। अगर ये पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस दूरी पे मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना डेवलप होगा? के Q1 बाय आर। उस के Q1 बाय आर पोटेंशियल पोटेंशियल वाला रीजन पे हमें Q2 चार्ज को लेके आना है। Q2 चार्ज को लेके आना है तो एक्सटर्नल एजेंट को कितना काम करना पड़ेगा बच्चों? W एक्सटर्नल Q2 कितना काम करना पड़ेगा? W एक्सटर्नल Q2 डिवाइडेड बाय Q2। तो Q2 को इधर लेके जाओ तो W एक्सटर्नल Q2 विल बी के Q1 Q2 बाय आर, क्योंकि इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं ना। तो इधर क्या था? डेल्टा वी था। तो डेल्टा वी इक्वल्स टू क्या? वीपी माइनस वी इनफाइनाइट। अब पता है ना वी इनफाइनाइट जीरो होता है, हमने इनफाइनाइट से लेके उधर तक लेके आया चार्ज को। तो मतलब पहले पोटेंशियल किधर था? पहले इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना था बच्चों? पोटेंशियल था जीरो। और उधर से वीपी पोटेंशियल के अंदर कोई भी चार्ज रखने के लिए चेंजिंग पोटेंशियल कितना होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है वीपी, इनिशियल है वी इनफाइनाइट, तो हो जाएगा जीरो। तो डेल्टा वी विल बी इक्वल्स टू वीपी, डेल्टा वी विल बी इक्वल्स टू वीपी। तो बच्चों इधर वीपी डेल्टा वी की जगह लिख सकते हो वीपी। तो वीपी इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्सटर्नल क्यू2 डिवाइड बाय क्यू2। तो बच्चों एक्सटर्नल एजेंट द्वारा काम किया गया क्यू2 चार्ज को लाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा बच्चों? के Q1 Q2 बाय R इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्सटर्नल Q2। तो बच्चों अभी हमारे पास दो चीज आ गया, एक आ गया डब्ल्यू एक्सटर्नल Q1 0 एंड डब्ल्यू एक्सटर्नल Q2 इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय R। अब हम ये देखेंगे कि बच्चों कि फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। वर्क एनर्जी थ्योरम से एक चीज पता चलता है कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो यूएफ माइनस यूवाई, इसको बोलते हैं डेल्टा यू। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट और माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। उतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, आप ये काम कर लो कि जितना काम अगर आप कर रहे हो एक कंजर्वेटिव फोर्स का दो ही रूल्स है, आइदर कंजर्वेटिव फोर्स काम करेगा और आइदर आप काम करोगे। आप जिस डायरेक्शन पे काम करोगे कंजर्वेटिव फोर्स उल्टी डायरेक्शन में काम करता है और यही है। सो आप ये बोल सकते हो कि अगर आप एक्सटर्नल एजेंट कोई काम कर रहे हैं वो काम पॉजिटिव होगा, अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है तो नेगेटिव होगा। तो बच्चों फाइनल पे मतलब क्या था? यू एफ मतलब क्या? ये पी पॉइंट पे मतलब पी पॉइंट और ये था यू इनफाइनाइट। हमने इनिशियल पे ये कितना दूर पे था बच्चों? ये चार्ज से कितना दूर पे था? इनफाइनाइट दूरी पे। तो इधर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? जीरो। और ये होगा डब्ल्यू एक्सटर्नल। तो हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट पॉइंट, ये जो चार्ज का सिस्टम है पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट विल बी डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन बाय 1 प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट बाय 2। तो एक्सटर्नल एजेंट को जितना काम करना पड़ा उतना ही होगा मेरा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अपन पे स्टोर होगा। तो बच्चों एक्चुअली क्या है, एक्सटर्नल एनर्जी जो काम करता है वो चेंज इन पोटेंशियल होता है, बट पोटेंशियल इनिशियल पोटेंशियल कितना? इनफाइनाइट था। इनिशियल पोटेंशियल था इनफाइनाइट क्योंकि इनफाइनाइट दूरी से दूर से हमें चार्ज को लाना पड़ा, दैट इज व्हाई यूआई विल बी इन जीरो। सो ये डब्ल्यू एक्सटर्नल वन कितना हमने अभी निकाला था, डब्ल्यू एक्सटर्नल वन इक्वल्स टू जीरो एंड डब्ल्यू एक्सटर्नल टू के Q1 Q2 बाय R। तो बच्चों इधर से हमारा सबसे खास एक फॉर्मूला निकाल के आया, वो क्या है? U पोटेंशियल एनर्जी
ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज एटलीस्ट टू चार्जेस मस्ट बी प्रेजेंट, यू इक्वल्स टू होगा के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो ये कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मान लो आपके पास दो चार्जेस है q1 q2 दोनों चार्ज सेपरेटेड है डिस्टेंस r, और उसके केसेस में आपको अगर बोला जाए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है k q1 q2 / r, इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब है कि कोई भी एक चार्ज को, ये जो दोनों चार्ज है ना, ये दोनों चार्ज को अगर इस पोजिशन पे रखना है, इस पोजिशन पे बरकरार रखना है, तो बच्चों आपको कोई एक्सटर्नल एजेंट को इतना काम करना पड़ेगा, और हम बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट दूर से दोनों चार्ज को इस पोजीशन पे रखने के लिए, ऐसा नहीं कि ये चार्ज को आप छोड़ दोगे तो दोनों भाग जाएगा, इसको पकड़ के रखने के लिए आपको एक्सटर्नल एजेंट को जितना काम करना पड़ेगा, इनफाइनाइट दूर से लाके इधर रखने के लिए, इस पोजीशन पे रखने के लिए आपको जितना काम करना पड़ेगा वो है इतना। यही होता है पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन। अगर किसी से आपसे पूछे कि ये फॉर्मूला का मीनिंग क्या है, आप बोल देना कि एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया कार्य इतना है, दोनों चार्ज को एज डिस्टेंस आर डिस्टेंस पे रखने के लिए आपको जितना काम करना पड़ेगा वही होगा ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो थैंक यू वेरी मच, इसके रिगार्डिंग हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, और ये मेरा जो भी चीज बताया वो सिर्फ बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग नोट्स बनाइए, और जितना भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा उस जगह पे थोड़ा सा भी मुझे बोल देना, मैं समझा दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।